too, it's Rohit Sharma. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलो तो बताते हैं कि इस ट्रेंड को आप इजीली कैसे बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वायरल है इस समय टिकटॉक और साथ ही साथ इंस्टाग्राम रील्स के अंदर भी। तो चलो बताते हैं कि आप किस तरह से बना सकते हो। प्रीव्यू आपने देख ही लिया होगा और आप समझ ही गए होगे, ठीक है। बेसिक्स इसमें चीज़ क्या है जो आप देख सकते हो कि इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो AI वॉइस है वो उस एनिमे की, मतलब जो लड़की मोमोई है, ठीक है, तो उसकी, और दूसरी चीज़ है कि वो खुद, ठीक है, जो करेक्टर है वो डांस कर रही है, ठीक है। तो वो ये दो चीज़ आपको तो मेन ही और इसमें चाहिए, बाकी एडिटिंग है वो भी बात करेंगे, ठीक है, और वो भी आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला तो हम गाइस ग्रीन स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट आप कर सकते हो। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, तो उधर दोनों कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप जहाँ से उठाना चाहो उठा सकते हो। एंड देन हम बताते हैं कि किस तरह से आप वॉइस बना सकते हो, ठीक है। तो वॉइस में भी आपकी दो चीज़ें हैं, तो सब जो बाद में गाना आता है और पहला, मतलब ओ माई गॉड जैसे कोई भी फिर नाम आता है, ठीक है, तो जैसे ओ माई गॉड इस रोहित शर्मा या फिर इस विराट कोहली, मतलब अगर आप किसी और बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं तो वो बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्रिकेट को लेके चलता हूँ और मेरे पास उसका मटेरियल है, तो मैं उस हिसाब से बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 11 लेफ्ट्स पे आ जाना है, ठीक है। तो आप 11 लेफ्ट्स पे आ जाओगे, तो जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे 11 लेफ्ट्स, तो इसे ओपन कर लोगे बहुत ईजी तरीके से। एंड जस्ट इधर आप टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट क्या लिखोगे, तो कुछ ऐसा लिखोगे, मतलब ऐसा लगना चाहिए थोड़ा गॉड में, थोड़ा गॉड टू टाइप का आवाज़ आना चाहिए, ठीक है, उसके एनिमी में। तो उसे आप ऐसे देख भी सकते हो। तो सबसे पहले कोई लड़की करेक्टर आप ले लोगे, ठीक है, कोई भी लड़की करेक्टर, मतलब सही देखना, थोड़ी आवाज़ उसी जैसी मैच कर रही हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, आप एक कॉमा दे दोगे और फिर लास्ट में लिख दोगे इट्स रोहित, और शर्मा में भी आप काफ़ी ज़्यादा गैप दे दोगे जिससे वो आराम से इस चीज़ को बोल पाए, ठीक है। और ये बोलते ही आप एक बार सुन लेना और अपने हिसाब से इधर ही से डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आके सपोर्ट कर लो, आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, डाउनलोड आपका ऊपर हो जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है, आप सॉन्ग करना है, ठीक है। तो सॉन्ग के लिए आप कैसे कर सकते हो, तो बेसिक सी चीज़ है भाई, यूट्यूब पे जाओ, उधर सर्च करो, ठीक है, जो उन सा भी सॉन्ग लेना है बस उसे अपना भाई गली में कर लो एक्सपोर्ट। अब ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो जस्ट जाके देख लो भाई यूट्यूब पे, सब कोई ना कोई बता ही देगा आपको, ठीक है, मुझसे आके DM में पूछ सकते हो तो वो भी बता देंगे। बाकी जैसे ही आपके पास सॉन्ग आ जाता है, ठीक है, गैलरी में, अब इन दोनों चीज़ों को आपको ले जाना है, अपने ऊपर सर्च करना है AI कवर AI, ठीक है। तो जैसे ही आप डालोगे तो आपके पास वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, कवर AI खुलते ही आप क्या करोगे, इसे ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद आपके पास ये एंटर का ऑप्शन आता है, जस्ट एंटर कर दो इसे। तो आपको इसे दो बार यूज़ करना है, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। तो चूज़ योर अपलोड अ सॉन्ग, ठीक है, तो अपलोड योर फाइल में जाओगे एंड मीडिया पिकर करना और ऑडियो पे सिलेक्ट कर देना रिसेंट पे आके। तो आपका 11 लेफ्ट जो मैंने अभी कराया एंटर वो आप ले लेना, ठीक है, मतलब अपना 11 लेफ्ट जो आपका होगा वो ले लेना। तो देख सकते हो किस तरह से आपका आ जाएगा। बाकी सिलेक्ट अ वॉइस करना है, ठीक है, सिलेक्ट अ वॉइस। तो इधर अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनिमे, जैसे आप ऊपर आओगे तो एनिमे सेलेक्ट कर लेना। एंड इधर से गाइस आपके पास करेक्टर आ जाता है, तो सिंपल सी बात, आपको लड़की वाला करेक्टर लेना। अगर आप एनिमे में का आपको ज्ञान है तो आपको पता होगा कि बहुत सी करेक्टर की कैसे सिमिलर आवाज़ होती है, ठीक है, तो जो बेसिकली लड़की वाली लेनी है तो उस तरह से आपको लगने लगेगी। तो जो मैं करेक्टर ले रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ, बाकी आप सारे लड़की करेक्टर में से चॉइस कर सकते हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सो गाइस इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक मीको करके बताए तो मैं उसे ले रहा हूँ, बाकी आप अपने पसंद से ले सकते हो, ठीक है। अब गाइस इधर आपको एंटर ईमेल करना है, ठीक है, तो अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देना, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद हम कर देंगे लेट्स गो। ऐसे अब लेट्स गो कर दोगे तो इसके बाद देखो आपका क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, चेक योर ईमेल इन 5 मिनट। तो इधर से आप अपना ईमेल भी चेक करते हो, बाद में कर सकते हो, बट मैं इधर ही रुक जाऊंगा और इधर आने का वेट कर लूंगा, ठीक है। जैसे इधर सॉन्ग आ जाता है उसके बाद हम अपना अगला जो सॉन्ग का है वही सेम तरह से बना लेंगे। अब गाइस जब तक ये बन रहा है मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये क्या ना, सिर्फ 2 बारी फ्री देता है एक दिन में। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, अपना 3 डॉट्स पर जाएंगे, ठीक है, 3 डॉट्स पर इधर हिस्ट्री पर क्लिक कर लेंगे,
हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद क्लिक ब्राउजर डेटा आपको ऊपर दिखता है, तो इधर से आप क्या करोगे, ब्राउज हिस्ट्री और कुकी साइड डेटा को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जैसे ये मेरा सिलेक्ट भी, और इसे क्लियर डेटा कर दोगे नीचे से। तो ये क्या होगा, जैसे ही आपका दो सॉन्ग होगा, फिर से आप जब AI कवर खोलोगे बंद करके, तो वो फिर से न्यू तरीके से खुलेगा और फिर से आप दो बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे कर करके आप बार बार अपना सॉन्ग बना सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो पहली बार में। देखो गाइस मेरा बनके तैयार हो चुका है, इधर हम हाई और स्टैंडर्ड से मत करना, तो मैं हाई पे रखता हूँ और इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड पे काफ़ी सही लगता है, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड में आप गेट बीडो पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एंड ये आपका ऊपर डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ गाइस, सिंपल सा आप ईमेल हर बार अलग ही डालना, जैसे दो बार अलग डाला फिर दो बार अलग, ठीक है, अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हो तो। इधर हम न्यू कवर पे क्लिक करेंगे एंड गाइस चूज योर एंड अपलोड सॉन्ग पे जाके अपलोड योर फाइल करना, मीडिया पिकर पे जाना एंड गाइस इधर से फिर से ऑडियो पे क्लिक करना, और जो आपने अपना डाउनलोड कराया गाना, जैसे मैंने ये खड़ा हूँ आज भी वाला डाउनलोड कराया, ठीक है, तो इसे ले लेना, फिर ये अपलोडिंग होगा और सिंपल तरीके से इधर आप इसे भी एक्सपोर्ट कर लोगे, ठीक है। तो देखो अब मैं फिर से लेट्स गो कर सकता हूँ एंड इधर से मेरा फिर ये वाला सॉन्ग बन के तैयार हो जाएगा सेम वॉइस पे, ठीक है, फिर उसे भी हम डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें आना है कैपकट पे अपने। सो गाइस कैपकट पे आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इधर से गाइस अब एक वाइट बैकग्राउंड ले लोगे, जो भी मेन चीज़ है वो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको अपनी तरफ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जस्ट आप एक्सपेक्ट रेशियो में आओगे इधर नीचे, तो आपको 9:16 मिल जाएगा, जो ऑटोमेटिक 9:16 है, बट मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है, अगर आपके पास ये ना हो। बाकी हम लास्ट में ये डिलीट कर देंगे और अपना इसे थोड़ी बड़ी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। सो गाइस आपको ध्यान होगा, जब मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट करा था, मतलब डाउनलोड करा था, तो वो वीडियो के फॉर्मेट में डाउनलोड हुई थी, तो हम क्या करेंगे, इधर से ओवरले में जाएंगे और ऐड ओवरले कर लेंगे। इधर से गाइस हम वीडियो में आएंगे और गाइस जो अभी हमने डाउनलोड कराया, ठीक है, तो उसे हम कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है गाइस। तो मैं अपनी दोनों ही वॉइस ले लेता हूँ जो भी मेरी आई हुई है, ठीक है, तो वह दोनों को ही सिलेक्ट कर लूँगा, तो दोनों देख सकते हो आप किस तरह से हुई है। तो एक में तो वही जो ओ माय गॉड रोहित शर्मा बोला है जिसने, और एक जो मेरी वॉइस है, ठीक है, मतलब जो सॉन्ग वाली वॉइस है। तो गाइस इस सॉन्ग वाली वॉइस को हम थोड़ा एडिट करेंगे, इसमें थोड़ा ट्यून है तो उसे हटा देंगे, ट्यून्स को, मतलब जो पहले म्यूज़िक है उसे हटा देंगे, सिर्फ मेन चीज़ से आएंगे जो लिरिक्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसे हम अपने हिसाब से सही कर लेंगे। साथ ही ये जो रोहित शर्मा वाली है इसके आप आगे लगा दोगे, ठीक है, तो ये रोहित शर्मा वाली है, इसके हिसाब से करना है। अब इन दोनों को आपको हाइड कर देना है ऐसे, ठीक है, तो नीचे वाले को भी ऐसे हाइड कर देना है, ठीक है, तो काफ़ी इजी है ये, कर सकते हो। एंड इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड ओवरले करेंगे और अपनी फ़ोटो जो कि मैं ले रहा हूँ, इस समय ये वाली ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसे हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और इसे हम ऐसे क्या कट भी कर सकते हैं इधर से नीचे से, तो हम क्रॉप कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है, तो ये ऐसे लग गई। और अब हम क्या करेंगे गाइस, इसे हम पूरा अपने म्यूज़िक तक कर लेंगे, ठीक है, जहाँ तक भी आपका म्यूज़िक हो। एंड इसके बाद फिर से ऐड ओवरले करेंगे और अभी हमें क्या करना है, वीडियो पे आना है और ग्रीन स्क्रीन लेनी है, ठीक है। सो गाइस ये वाली ग्रीन स्क्रीन मैं क्या करूँगा, आपको दे दूँगा, ठीक है, तो ये ग्रीन स्क्रीन मैं आपको पूरे कट करके दे दूँगा अच्छे से, अभी मेरे पास कट करके नहीं है, तो जैसे कि मैं इसे फिर अब जस्ट आपको ऐड करना होगा इधर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ ग्रीन स्क्रीन लग जाएगी आपकी, ठीक है, तो आप इसे देख भी सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन स्क्रीन से ग्रीन पार्ट को रिमूव कर देंगे, तो आप नीचे आओगे तो आपको जस्ट इधर मिल जाएगा विजी रिमूवर, यहाँ आपको क्रोमा की दिखेगा, तो आपको ऐसे की ऐसे ग्रीन पे ले जाना है और इंटेंसिटी को हाई कर देना है, ठीक है, तो इधर से आपका ये लग जाएगा और इसे आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ईजी तरीके से आपने गाइस इसे बना लिया है और काफ़ी ईजी तरीके से आप देख ही सकते हो, ठीक है। अब गाइस इधर मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आपके पास थोड़े मन में सवाल हो, तो सबसे पहला तो ये, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो जस्ट कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उधर आगे मुझे पूरी बात बता सकते हो और मैं उधर आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि गाइस अगर आपको कुछ मतलब वॉइस में अच्छा ना लग रहा हो, तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अलग अलग वॉइस यूज़ कर सकते हो उसमें, और उसे अनलिमिटेड तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आप अपनी वीडियो बना रहे हो तो उस हिसाब से आप थोड़ी मेहनत कर लेना उसमें। अब इधर एक चीज़ आती है कि हम गाइस जो ये लास्ट वाला सॉन्ग है ना, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं थोड़ा, तो अगर हमारा अगर स्लो है, ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए सिंपल सा स्पीड वाले ऑप्शन पर आकर ऐसे हमने स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, और की पिच पर क्लिक कर देना। यहाँ से एक और हम चीज़ कर सकते हैं, और आपको इस लड़की के बाद पतली करना हो थोड़ा वैसा लगे, तो आप क्या कर सकते हो, इधर सिंपल सा उसी वीडियो पे आना है और इधर लास्ट में आओगे तो आपको ऑडियो इफेक्ट दिखेगा, तो ठीक है, इधर जब आप मतलब आपको पता है वो कैपकट VPN कनेक्ट करके करना आप चलाना, तो उधर से आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, वॉइस इफेक्ट दे पाओगे काफ़ी सारे, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा पिच को हाई कर देना, ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी आवाज़। एंड इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है, तो अपने हिसाब से इसे सेट कर लेना गाइस, और जहां तक आपको रखना है बस इन सब वीडियो को कट कर देना।
एंड गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा और जस्ट इसे एक्सपोर्ट कर लेना एंड गाइस अपना कहीं भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और कोई बात रह गई तो जस्ट मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।